जनवरी 2021 में शुशा शहर को आज़रबाइजान का सकाफ़ती दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। 1992 में आर्मेनियन फोर्सेस ने जंग के जरिए इस शहर पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। I know that Shusha has been under occupation for many years and I'm really feel honored that I'm here feeling the spirit of life again in Shusha. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट से खुश आमदीद। आज़रबाइजान के सकाफ़ती दारुल हुकूमत शुशा से मोहम्मद तैयब चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। शुशा शहर आज़रबाइजान का एक आप कह सकते हैं शायरी, मौसीकी और अहम सकाफ़ती मरकज़। जनवरी 2021 में शुशा शहर को आज़रबाइजान का सकाफ़ती दारुल हुकूमत करार दे दिया गया है। 1992 में आर्मेनियन फोर्सेस ने जंग के ज़रिए इस शहर पे कंट्रोल हासिल कर लिया था, जो कि 8 नवंबर 2020 को आज़रबाइजान ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हुए अपनी जो टेरिटरीज़ हैं वो वापस लीं और आज इस शहर पे कंट्रोल आज़रबाइजान का है और आज़रबाइजान अपने इलाकों को आज़ाद करा चुका है। Shusha is a cultural capital of Azerbaijan. This is the historic part of Azerbaijan and this is considered to be the cradle of the Azerbaijani people. And you know that Shusha has been under occupation for many years, since 1992. And last year, as a result of the 44 days patriotic war, Shusha has been liberated. Now, I'm personally is the first time in Shusha after liberation and I really feel honored that I'm here together with you, feeling the spirit of life again in Shusha. आज़ाद इलाके हैं, उनकी तस्वीरें बड़ी खूबसूरती से उनकी एग्जीबिशन की गई है। मैं आपको कैटेगोरिकली दिखाता हूँ कि किस तरीके से एग्जीबिशन की गई है और कौन कौन से एरियाज हैं। ये पहले आप देख सकते हैं आगदाम, ये सारी पिक्चर्स आगदाम डिस्ट्रिक्ट की हैं। इसके बाद जबराइल, ये तस्वीर हाजी अल अकबर मॉस्क इन फजूली, और ये सारी तस्वीर शुशा, और इस साइड पे तारतार। ये लोअर जौफर आगा मस्जिद के सामने मैं मौजूद हूँ इस टाइम, जो कि इसको भी जो शुशा शहर का हिस्सा है। ये मस्जिद उसमें ही तमीर की गई थी। आप देख सकते हैं कि मस्जिद इस टाइम काफ़ी जो उनसी है वो खस्ता हाल में है। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाइजान की जो तवज्जो है वो मस्जिद की तरफ, वैसे ही आप अगर दारुल हुकूमत बाकू में भी देखें तो उधर मस्जिदों को बड़े खूबसूरत अंदाज से मेनटेन किया गया हुआ, तो आने वाले वक्त में इसको भी तमीर किया जाएगा दोबारा से और इसको एक, लेकिन इस टाइम आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि आर्मेनियन ऑक्यूपेशन में जो मस्जिद हैं और जो रिलीजियस प्लेसेस थी उनके साथ क्या बर्ताव किया। जी नाज़रीन, इससे पहले आपको लोअर जौफर आगा मस्जिद दिखाई थी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपर जौफर आगा मस्जिद में, जो कि 18वीं सदी में इसको तमीर किया गया था। ये मस्जिद प्योर आज़रबाइजानी फ़न तमीर के ऊपर इसको तमीर किया गया है, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद के अंदर के मनाजिर हैं, प्योर आज़रबाइजानी फ़न तमीर के ऊपर इसको तमीर किया गया है। इंटीरियर अंदर का बहुत ज़बरदस्त, कदीम दौर के फ़न तमीर को ये रिप्रेजेंट करती है ये मस्जिद। तो ये कुछ मसाजिद थी शुशा में जो आज आपको दिखाना मकसूद था।